कल अपन पढ़ रहे थे कॉटन के बारे में, लाइक कॉटन किस तरह से दिखती है या कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है उसका, और इस तरह उससे अपन फैब्रिक बना सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन की किस तरह से की जाती है, पूरा प्रोसीजर क्या इन्वॉल्व होता है उसमें। तो कॉटन रिक्वायर्स वार्म सीजन एंड मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, एवरेज, ठीक है। तो इसको थोड़ी बहुत रेनफॉल भी चाहिए, एवरेज चाहिए, और वार्म सीजन यानी गर्मियों में, गर्मियों के मौसम में ये उगा सकते हैं अपन। इट इज़ कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो होती है अपन अपने यहाँ राजस्थान में भी देखे जाते हैं, तो वहाँ उस मिट्टी में ये उगा सकते हैं अपन, उसमें ही उगती है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन, इसको काफ़ी धूप भी चाहिए होती है। क्रॉप्स आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग, यानी बोते कब हैं इसको, तो अर्ली स्प्रिंग यानी गर्मियों से पहले का जो सीज़न होता है, सर्दी और गर्मी के बीच का, उस स्प्रिंग सीज़न में ये पहले अपन इसको बो देते हैं। और हार्वेस्टिंग इज़ डन इन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। तो अब ये पूरे गर्मी में, जो गर्मी से पहले अपन ने इसको बो दिया, फिर पूरी गर्मी में ये उगती रहती है, और उसके बाद हार्वेस्ट यानी इसको निकाल, यानी इसकी जो खेती उग जाती है पूरी हो जाती है, तो उसको निकालते कब अपन, अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच में निकाल लेते हैं। कॉटन प्लांट्स ग्रो अबाउट 12 मीटर्स इन लेंथ, और इनकी लंबाई यानी जो पौधा है इसका कितना लंबा जाता है, ये 12 मीटर तक लंबा होता है। फ्लावर्स ब्लूम इन अराउंड 60 डेज, यानी जब हम बो देते हैं उसके 60 दिन के बाद तक इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। ग्रेजुअली दीज फ्लावर्स टर्न टू स्फेरिकल वॉलनट साइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटन बॉल। ग्रेजुअली यानी स्लोली, तो धीरे धीरे ये क्या होते हैं, ये फ्लावर्स किस में बदलने लग जाते हैं, एक स्फेरिकल वॉलनट जो ऊपर दिख रहा है आपको पिक्चर में कॉटन प्लांट में, वैसे ये धीरे धीरे वॉलनट साइज स्ट्रक्चर यानी वॉलनट के साइज जितना स्फेरिकल ये शेप ले लेता है, और उस वॉलनट के साइज़ जितना बड़ा होने लग जाता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल, क्योंकि पूरी किसकी बॉल बन जाती है, कॉटन की बॉल बन जाती है। और नीचे आप स्टेप्स देख सकते हो, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 जो दे रखा है ये, तो ये पूरा प्रोसीजर है जो अपन इसके बाद में एक बार देखेंगे इसको, क्योंकि अभी अपन पहले प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। तो द कॉटन बॉल हैज़ कॉटन सीड्स, अब इस कॉटन बॉल में क्या होता है, कॉटन के सीड्स होते हैं, वो ब्लैक कलर के दिखते हैं, इसके बीच में दिखता है एकदम। फाइबर्स ग्रो अराउंड द सीड्स व्हेन द पार्ट टर्न्स ब्राउन एंड बर्स्ट वाइट कॉटन फाइबर्स, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उस बीज के चारों ओर वो फाइबर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, व्हेन द पार्ट्स टर्न ब्राउन, ठीक है। वो जब फाइबर ग्रो अराउंड द सीड्स व्हेन द पार्ट टर्न्स ब्राउन एंड बर्स्ट वाइट कॉटन फाइबर्स, तो वो जब धीरे धीरे ब्राउन होने लग जाता है तो उसके अराउंड क्या हो जाते हैं, फाइबर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं सीड्स के अराउंड, एंड बर्स्ट वाइट कॉटन फाइबर्स, और फिर क्या बन जाता है, एक पूरा कॉटन फाइबर उसके चारों ओर बन जाता है पूरा। वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन टू मेक फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर। अब देखो काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये तो फाइबर बना है, तो वो तो पेड़ से अपन को मिल रहा था ऑलरेडी, पौधे से। तो अब इसके बाद इसको फैब्रिक बनाने में यानी इसका कपड़ा बनाने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप्स पढ़ेंगे अपन कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप है उसमें अपना गिनिंग एंड स्पिनिंग। कॉटन बॉल्स हैव सीड इनसाइड देम, अपन को पता है उस कॉटन बॉल में बीच में उसका एक बीज होता है, सीड होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल इज कॉल्ड गिनिंग। तो अपन उस बीज के साथ तो कपड़ा बना नहीं सकते, अपने को तो चारों ओर का फाइबर चाहिए जो उसके चारों ओर लपेटा हुआ है, तो सबसे पहले उसके कॉटन सीड को अपन को हटाना है। तो उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है यानी प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स, रिमूव करना यानी हटाना, तो वो कॉटन सीड को उस कॉटन बॉल में से, फ्रॉम द कॉटन बॉल, उसमें से हटाने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है गिनिंग प्रोसेस क्या है, कॉटन सीड्स को कॉटन बॉल में से हटाना, वो प्रोसेस कहलाता है गिनिंग। नेक्स्ट, गिनिंग कैन बी डन मैन्युअली और बाय मशीन्स। मैन्युअली होता है यानी इंसानों द्वारा, किसी के हाथ के फोर्स से या किसी ह्यूमन के द्वारा किए जाने वाला प्रोसेस। तो गिनिंग मशीनों से भी कर सकते हैं और इंसानों के द्वारा भी करवा सकते हैं अपन मैन्युअली, ठीक है। तो कॉटन इज़ प्रेस्ड बाय मशीन्स, तो फिर उसमें क्या करते हैं, कॉटन को काफ़ी प्रेस किया जाता है मशीन से। कॉटन फाइबर्स आर स्मॉल एंड वीक, कॉटन फाइबर छोटे और कमज़ोर होते हैं थोड़े, तो दे कैन नॉट बी यूज टू मेक फैब्रिक डायरेक्टली, इस वजह से उनसे अपन डायरेक्टली फैब्रिक नहीं बना सकते, पहले उसमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, तो सबसे पहले वो किस में बदले जाते हैं, यार्न्स में बदले जाते हैं। और ये जो यार्न बनाने का प्रोसेस है यानी दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, तो ये जो यार्न बनाने का प्रोसेस है फाइबर से, उसे अपन स्पिनिंग कहते हैं। और स्पिनिंग में क्या करते हैं, अपन ट्विस्ट करते हैं,
वो जो फाइबर्स निकल के आ रहे हैं अपन उनको क्या कहते हैं, ट्विस्ट यानी तोड़ मरोड़ते हैं उनको, ट्विस्ट करना यानी मरोड़ना होता है। तो ट्विस्ट मेक्स द यार्न स्ट्रॉन्गर, तो उसको मरोड़ने पे क्या होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं वो फाइबर्स, ठीक है। और वो ट्विस्टेड फाइबर ही क्या कहलाता है, यार्न कहलाता है। स्पिनिंग इज़ डन ऑन ए स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग किस पे करते हैं, स्पिनिंग व्हील या फिर हैंड स्पिंडल जिसे कहते हैं, तो वो स्पिनिंग व्हील पे स्पिनिंग की जाती है। फाइबर्स आर ड्रॉन आउट फ्रॉम द बंडल्स ऑफ कॉटन एंड ट्विस्टेड टू मेक यार्न, ठीक है। तो वो कॉटन में से पहले अपन ने उसके बीज को हटाया, दैट इज़ गिनिंग, फिर उसमें से फाइबर्स निकाल लिए और उन फाइबर्स को अपन ने ट्विस्ट यानी मोड़ के यार्न में बदल दिया, और यार्न बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग। तो दोनों प्रोसेस समझ आ गए, गिनिंग एंड स्पिनिंग। स्पिनिंग इज़ नाउ डन ऑन ए लार्ज स्केल ऑन स्पिनिंग मशीन्स, ठीक है। आजकल पहले तो स्पिनिंग व्हील पे करते थे, है ना, चरके चलाते थे पहले, तो आजकल क्या है मशीनों द्वारा होता है ये काम। तो स्पिनिंग इज़ नाउ डन ऑन ए लार्ज स्केल यानी लार्ज स्केल पे यानी बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे स्पिनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ फाइबर्स। अब ये तो यार्न बना है, यार्न बनने के बाद अभी फैब्रिक भी बनाना है। तो एक बार अपन फाइबर से फैब्रिक बनाने के प्रोसेस यानी फाइबर को एक पूरी तरह से तैयार कर ले जिसके बाद अपन उसको सिर्फ फैब्रिक में बदल सकें, तो वो प्रोसेस जो होता है ना सारे फैब्रिक्स के लिए एक ही तरीके का होता है। जैसे यहाँ पे यार्न बनाने तक का प्रोसेस अलग था, अब यार्न ऐसी चीज़ बन गई है जिससे अपन डायरेक्टली फैब्रिक बना सकते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो सबके लिए कॉमन होगा यार्न से फैब्रिक बनाने का। यार्न इज़ कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक इन टू वेज, वीविंग एंड नीटिंग। अब उस यार्न से फैब्रिक यानी फाइबर से यार्न बनाया, यार्न से फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक बनाने के दो मैथड है, फर्स्ट है वीविंग एंड सेकेंड है निटिंग। तो वीविंग पढ़ते अपन, वीविंग किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स एट राइट एंगल्स टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी वो क्या करते हैं, दो यार्न को राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे इस तरह से सेट करते हैं, अरेंज करते हैं कि वो बाद में जॉइंट हो के यानी जॉइंट होने के बाद वो किस में बदलते जाएँ, फैब्रिक में बदलते जाएँ। और इस प्रोसेस को यानी ये जो प्रोसेस है राइट एंगल पे रख के फैब्रिक में कन्वर्ट करने का, उसे क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। वीविंग इज़ डन ऑन मशीन्स कॉल्ड लूम्स। वीविंग कहाँ की जाती है, आपने सुना होगा अपने यहाँ पे भी, जैसे पावर लूम्स चलते हैं किशनगढ़ में, है ना, पावर लूम्स है काफ़ी सारे, तो वहाँ पे क्या होता है, वीविंग की जाती है। वीविंग इज़ डन ऑन मशीन्स, मशीनों पे जो वीविंग करते हैं उन्हें लूम्स कहते हैं, यानी वो फैक्ट्रीज जहाँ पे वीविंग प्रोसेस होता है मशीनों पे, उसे लूम कहते हैं। द लूम्स ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अब जो बिजली से लूम चलते हैं उसे पावर लूम कहते हैं, और जो इंसानों द्वारा हाथों से किए जाते हैं यानी जहाँ पे हाथों से प्रोसेस होती है पूरी वीविंग की, दीज आर ऑपरेटेड मैनुअली, उनको कहते हैं हैंड लूम्स। तो हैंड लूम्स और पावर लूम्स दो होते हैं, तो पावर लूम्स तो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से और हैंड लूम्स चलते हैं इंसानों के द्वारा, लेबर के द्वारा वहाँ काम होता है। कॉटन इज़ यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस, आपको पता है कॉटन अपने डेली लाइफ में यूज़ आती है, कितनी चोट लग जाती है कहीं पे तो अपन कॉटन यूज़ करते हैं ब्लड को स्टॉप करने के लिए, कवर करने के लिए, उसको बैंडेज करने के लिए, तो कॉटन मेडिकल पर्पस में यूज़ आती है। कॉटन हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, अब इसकी ऐसी खास बात क्या है जो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इट अलाउज़ एयर टू पास थ्रू ईजीली। ये क्या करती है, इसके बीच में जो छेद होते हैं यानी एक एक धागे के बीच में जो छेद होता है, पोर होते हैं, उनके वजह से क्या होती है, एयर ईजीली अंदर बाहर चली जाती है। तो अपने कहीं चोट लगी है तो अपने को पता है ऑक्सीजन तो चाहिए, है ना, सेल्स को, तो इसको क्यों बांधते बैंडेज पर, ताकि वो स्किन ईजीली सांस ले पाए, ठीक है, ईजीली एयर जो है एक्सचेंज हो पाए। और इसी वजह से समर क्लोथ यानी जो गर्मियों में पहनने वाले कपड़े हैं वो भी कॉटन से बनाए जाते हैं, क्योंकि अपने को कितनी गर्मी लगती है अगर अपन ऐसे कपड़े पहन लेंगे जो एयर को अलाउ ही नहीं करेंगे अंदर तक जाने के लिए, तो फिर कितनी गर्मी लगेगी। तो इसलिए कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए समर में, क्योंकि उससे क्या होता है, एयर ईजीली एक्सचेंज हो जाती है, पास हो जाती है अपने अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ठीक है। तो डेनिम अ ड्यूरेबल क्लोथ, जैसे कि आप लोग आजकल सुनते होंगे बहुत बार डेनिम यूज़ होता है, जो कि ज़्यादातर जीन्स के लिए अपन यूज़ करते हैं, डेनिम जीन्स जिसे कहते हैं अपन। तो अ ड्यूरेबल क्लोथ, ड्यूरेबल क्या होता है, जो ज़्यादा टाइम तक चल सके, ठीक है, ड्यूरेबल ज़्यादा टाइम तक चलने वाला।
तो ये मीनिंग आप भी अपने बुक में लिख लेना। ड्यूरेबल क्लोथ यूज टू मेक जीन्स इज मेड फ्रॉम कॉटन, तो वो जो डेनिम कपड़ा है जो जीन्स बनाने में इस्तेमाल होता है वो भी किससे बनाया जाता है, कॉटन से बनाया जाता है। नेक्स्ट अपन अभी तो अपन कॉटन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ते हैं जूट के बारे में कि जूट से किस तरह से फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं। वी गेट जूट फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट्स, जूट का एक पौधा होता है, प्लांट होता है जिसकी स्टेम्स, जिसकी छाल, जिसकी स्टेम्स से अपन को क्या मिलता है, जूट फाइबर मिलता है। द जूट प्लांट इज कॉल्ड पैटसन और पात इन हिंदी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पैटसन और पात बोलते हैं हिंदी में अपने। जूट फाइबर्स वॉज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, एक समय ऐसा था जब जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था, बहुत इंपॉर्टेंस थी क्योंकि पहले इसकी जूट बैग्स ये सब बहुत ज़्यादा चलते थे, आजकल इनका यूज़ कम हो गया है पहले से काफ़ी। तो जूट ग्लू, अब जैसे कॉटन का कल्टिवेशन पढ़ा अपन ने कि उसको समर सीजन चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, तो जूट का देखते हैं कि इसको कैसा मौसम चाहिए। द प्लांट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये भी गर्मियों में अच्छे से कब उगता है, ये गर्मियों के दिनों में, और ह्यूमिड यानी थोड़ा सा मॉइस्चर हो, अगर हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर पानी रहता है उसे ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं। तो इट ग्रोज बेस्ड ऑन द वेल ड्रेन एलिवियल सॉइल, एलिवियल सॉइल में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से उग पाता है। इन इंडिया जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल, इंडिया में जूट कहाँ उग रहा है, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, आसाम में उगाया जाता है, बिहार में उगाया जाता है, इन द लो लाइंग एरियाज अराउंड द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के वहाँ पे जो लो लाइंग नीचे थोड़े एरिया है नीचे आने वाले वहाँ पे भी ये उगाए जाते हैं जूट प्लांट। जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड एट द फ्लावरिंग स्टेज, यानी जब इसमें फूल आने लगते हैं तभी इसका हार्वेस्ट यानी उसको निकाल लिया जाता है इस क्रॉप को। वंस हार्वेस्टेड द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स आर कट एंड टाइड इन टू बंडल्स, और एक बार जैसे इसका हार्वेस्ट कर देते हैं अपन, इसको निकाल देते हैं, इसकी खेती को निकाल लेते हैं, तो वैसे ही इसके स्टेम्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के यानी लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में काट के एक बंडल बांध के रख देते हैं, और इन बंडल को फिर किस में रखते हैं, वो दे आर कैप्ट इन स्टेग्नेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स फॉर अबाउट 20 डेज, फिर उसको पानी में जो उनके आसपास तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पे वो उसको 20 डेज के लिए रख देते हैं पानी में भिगुनने के लिए। ग्रेजुअली द स्टेम्स रॉट, तो इससे क्या होता है वो जो स्टेम्स है धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, सड़ने लग जाती है ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम्स बाय हैंड, उसके बाद ये हाथों से उसमें से अपन को फाइबर निकालना पड़ता है, एक एक पतली पतली उसकी धागों जितनी स्टेम्स को उसकी स्टेम्स को धागे जितने लेयर्स में हाथों से निकालना पड़ता है। द फाइबर सो ऑब्टेन आर ड्राइड इन द सन, अब जो फाइबर इससे निकल के आते हैं वो पतले पतले धागे जितने मतलब धागे जैसे निकल के आते हैं उनको फिर सूरज में रख देते हैं सूरज की रोशनी में ताकि वो उसकी धूप से सूख जाए। एंड टाइड इन टू स्मॉल बंडल्स एंड सेंट टू द मील्स, और उसके बाद वहाँ से क्या करते हैं उनके छोटे बंडल बना के मील्स में भेज देते हैं जहाँ पे वहाँ से फैब्रिक बनेगा। तो ये तो अपना पूरा प्रोसीजर था उसको पूरे अच्छे फाइबर में बनाने का, अब मील में जाके वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पन एंड वोवन इन टू फैब्रिक्स इन द मील, ठीक है, वहाँ पे वो मील में स्पिनिंग प्रोसेस या वीविंग प्रोसेस जो भी उनको करना है वो वीविंग वगैरह उस प्रोसेस से वो उसमें क्या बना देंगे, फैब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, मैट्स, कारपेट्स, गनी बैग्स, कर्टन्स एंड बास्केट्स, जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर्स। आप लोगों ने देखा रोप्स रस्सी तो अपन देखते हैं जूट की रस्सी, कारपेट देखते हैं अपन, मैट्स देखते हैं, गनी बैग्स देखते हैं यानी हैंड बैग्स जैसे जो होते हैं, ये पिक्चर में दिखा रखा है यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, कर्टन्स हुए एंड बास्केट्स, बास्केट तो बहुत कॉमन है अपन देखते हैं, और कर्टन्स आपने कभी देखा हो कि सीरियल मूवीज़ में पहले के दिखाते हैं कि किस तरह फाइबर के कर्टन्स होते हैं उसमें जूट फाइबर के। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर्स, यानी चीपेस्ट यानी क्या होता है, सस्ता, और नेचुरल तो मतलब आपको पता ही है जो नेचर से मिले अपन को जो ऑलरेडी प्रकृति में हो, तो चीपेस्ट फाइबर यानी एक बहुत सस्ता नेचुरल फाइबर है जूट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं अपन, आप पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से यहाँ तक और सारे मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ नहीं आता तो आप फिर से पूछ सकते हैं।
तो इसको आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक, और आप क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो एक बार अपनी तरफ से, तो आप उनको नोट डाउन कर लेना आंसर। अगर आप फिलअप MCQ ट्रू फॉल्स जो भी है वो आप फिल कर सकते हो। आप इसमें से ट्राई करना फाइंड आउट करने की, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।